बाढ़ से प्रभावित बुधनी के कई इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। बुधनी के नेमटोन गांव में सैकड़ों ग्रामीण बाढ़ के पानी में घिरे। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर पहुंचा बाढ़ में फंसे हुए लोगों को निकालने। वहीं सोमलबाड़ा से अभी तक रेस्क्यू कर सेना के हेलीकॉप्टर ने 58 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। सेना एवं पुलिस स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत कार्य निरंतर जारी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को बैठाकर अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के द्वारा सभी ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर हेलीकॉप्टर से सोमलवाड़ा गांव के निवासियों को बाढ़ पीड़ित क्षेत्र से सकुशल निकाला। शाहगंज मंडी प्रांगण हेलीपैड पर उतरा हेलीकॉप्टर। पहली खेत में बुजुर्ग महिला बच्चों को रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर के साथ एसपी जिला कलेक्टर रवाना। सोमलवाड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन में मौके पर विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव एवं प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। सीहोर एसपी कलेक्टर सेना के हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर ग्रामीणों को निकाला, सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे हैं। बुधनी के दर्जनों गांवों में सैकड़ों लोग फंसे अपने घरों में। सेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर हेलीकॉप्टर से सोमलवाड़ा गांव के निवासियों को बाढ़ पीड़ित क्षेत्र से सकुशल निकाल कर सुरक्षित स्थान पर ले जाकर छोड़ रहे हैं। शाहगंज मंडी प्रांगण हेलीपैड पर उतरा हेलीकॉप्टर। पहली खेत में बुजुर्ग महिला बच्चों को रेस्क्यू किया गया। आर्मी की सेना पहुंच रही है नसरुल्लागंज। शाहगंज इलाके में दो टीम तैयार मदद के लिए। होशंगाबाद से एनडीआरएफ टीम बुधनी के नसरुल्लागंज और शाहगंज के लिए आ रहे हैं। बुधनी नसरुल्लागंज के सैकड़ों गांवों में घुसा पानी, लोग घर से बेघर हो गए हैं। जिला प्रशासन लोगों को निकाल कर ले जा रहा है सुरक्षित स्थानों पर। नसरुल्लागंज में नर्मदा तट नीलकंठ के शिव मंदिर पर पहुंचा पानी। मां नर्मदा पहुंची। पुराणों में उल्लेखित भगवान शिव का अभिषेक करने। हालात बेकाबू, पूरा नर्मदा क्षेत्र बना समुद्र। प्रशासन जुटा व्यवस्था बनाने में। देर रात्रि 2:30 बजे के लगभग ग्राम अतरालिया में 10 लोगों को मकान की छत पर फंसे होने के बाद प्रशासन ने बाहर निकाला। रविवार सुबह भी बढ़ रहा नर्मदा का जलस्तर। छिंदगांव, कांची, मंजली, खड़गांव, आवा, बड़गांव, डीमावर, नीलकंठ मंडी, सीलकंठ, अतरालिया, सातदेव, तिगाली, छिपनेर, चौरसाखेड़ी, रानीपुरा में हालात हुए बेकाबू। एसडीएम डीएस तोमर, तहसीलदार पीसी पांडे, जनपद सीओ वृंदावन मीणा, एसडीओपी प्रकाश मिश्रा, टीआई मनोज सिंह सहित पुलिस, राजस्व पटवारी एवं पंचायत विभाग का अमला पूरी रात लगा रहा नर्मदा तटों के ग्रामों में। सूत्रों के मुताबिक अभी भी बढ़ रहा नर्मदा नदी का जलस्तर। बुधनी शाहगंज में संभागायुक्त श्री कविंद्र कियावत और आईजी श्री उपेंद्र जैन ने बचाव राहत कार्य में संभाला मोर्चा। सोमलवाड़ा गांव बोट से स्वयं पहुंचे और दिए आवश्यक निर्देश। सीहोर जिले के दूरस्थ स्थित बुधनी विकास खंड का सोमलवाड़ा गांव में बचाव एवं राहत के कार्य निरंतर जारी हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का कार्य किया जा रहा है। अतिवृष्टि से निर्मित हुई स्थिति में संभागायुक्त श्री कविंद्र कियावत और आईजी श्री उपेंद्र जैन पानी से घिरे हुए गांव में बोट से पहुंचे। गांव में फंसे हुए सभी आमजनों को स्थिति सामान्य होने और प्रशासन द्वारा हर संभव मदद उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। अतिवृष्टि और जलभराव की स्थितियों का जायजा लेने संभागायुक्त सुबह से पूरे संभाग के भ्रमण पर हैं। संभाग में अतिवृष्टि की सूचना और मुख्यमंत्री के दिए बचाव एवं राहत के निर्देश अनुसार पूरा प्रशासनिक अमला मैदान में तैनात है। संभागायुक्त श्री कियावत और आईजी भोपाल श्री उपेंद्र जैन कई नदी नाले पार कर इस गांव तक पहुंचे और बचाव राहत कार्य के लिए आवश्यक निर्देश दिए। लगभग 250 आबादी वाला गांव पूरी तरह घिरा हुआ है पानी से। पुलिस, होमगार्ड्स और स्थानीय प्रशासन ग्रामीणों को नाव से निकालने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। नाव और गोताखोर बचाव कार्य में लगे हुए हैं। प्रशासन द्वारा भोजन सहित हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है। अरे अच्छा मोटर ढूंढा जा रहा हूँ, नहीं रोके निकल जा। अरे जहा भी निकल जा रही मैंने कर। निचले बस्ती में निवासरत परिवारों को सूचित किया जाता है कि नर्मदा जी का जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। जान माल की सुरक्षा हेतु, बचाव राहत केंद्र हेतु स्कूल में धर्मशालाओं को
सोमलवाड़ा में ग्रामीणों के साथ भारी जल जमाव में फंसे मुकेश सिंह से भैया कार्तिकेय जी चौहान ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से वीडियो कॉल के माध्यम से बात हुई है। मेरे भाई बहनों, आप चिंता मत कीजिए, कमिश्नर और IDG पहुंच चुके हैं और बड़ी बोट पहुंचने वाली है। हिम्मत रखिए, आप सभी को हर हाल में सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। हाँ, मुकेश शिवराज बोल रहा हूँ। हाँ मुकेश, मैंने कोशिश की पहुंचने की हेलीकॉप्टर से, लेकिन वो आवाज आ रही। आवाज आ रही है आपको? हाँ पानी आप, लेकिन आप चिंता मत करो, अभी बड़ी बोट पहुंचने वाली है। एक पहुंचने वाली है, कमिश्नर वहां पहुंच गए, ADG वहां पहुंच गए कुसुमखेड़ा के उधर, और बाकी भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन हेलीकॉप्टर उतरा, हेलीकॉप्टर बारिश के कारण खतरे में आ गया, इसलिए लौटना पड़ा मुझे। हिम्मत रखो, सब लोग हैं। हाँ दिख रहे हैं सर। हाँ ये लगा हुआ दिख रहा है मुझे, पानी भी दिख रहा है। लेकिन चिंता मत करो, निकाल लेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो, पहुंचने वाली है। बड़ी बोट भी पहुंच रही है, और एक बोट तो अभी बात डाल दी पानी में, बस 2 किलोमीटर ही दूर होगी वो पहुंचने वाली। अब बच्चा बच्चों को और महिलाओं को ढंग से निकालना, बच्चों को, माताओं बहनों को, बुजुर्गों को जरा ढंग से निकालना। ठीक है, चिंता मत करो, मैं रात भर जगूंगा। ठीक है।